A great loss to the industry. बिल्कुल जी, बस भगवान की आत्मा को शांति दे। आई थिंक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा म्यूजिक, अगर म्यूजिक आर्टिस्ट के नाम होंगे तो उनमें से आई थिंक अगर टॉप थ्री में हम गिने जाएं तो भपीदा हैं, और हम सब उनके गाने सुन के बड़े हुए हैं। और जैसे आजकल की जनरेशन में जिसमें हम जैसे सिंगर्स आए हैं उनको भी उन्होंने टक्कर दिया। लेटेस्ट गाना उनका था उलाला, और मतलब कमाल के सिंगर, कमाल के कंपोज़र, और बहुत ही प्यारे इंसान हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उनके साथ परफॉर्म करा है। USA में मैंने शोज भी करे हैं, और अच्छी बात है कि वो खुशी खुशी गए हैं, गाते गाते गए हैं। एंड बट बहुत यंग एज में मैं देख रहा था, ही इज़ जस्ट 69, इतनी छोटी एज में, मतलब अगर उनका करियर देखेंगे तो 20 साल में उन्होंने सुपरहिट गाने दे दिए। तो बस यही भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिवार को ये सहन करने का मौका दें। देखिए, हमने बचपन ही देखो डिस्को डांसर, हमने अगर मूवी देखी है तो उसमें याद आ रहा है, या इल्ज़ाम पिक्चर गोविंदा जी की, बोल बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं जो सिंगर्स को बनाते हैं, इन्होंने एक्टर्स को बनाया, मूवीज़ को बनाया। तो ज़्यादातर हम म्यूजिक डायरेक्टर के इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं कि वो उनकी वजह से बहुत सारे सिंगर्स लॉन्च होते हैं, बट इनकी वजह से बहुत सारे एक्टर्स आए हैं, मतलब मिथुन दा, गोविंदा जी, और बड़े बड़े, अगर आप, हाँ जी, बड़े बड़े म्यूज़िक आप देखेंगे, गाने देखेंगे। और यही नहीं कि सिर्फ डांस नंबर उनके थे, और जैसे दिल में हो तुम, ऐसे गाने भी उन्होंने गाए, तुम्हारा प्यार चाहे सैया बिना अगर सुन, इतने बड़े म्यूज़िक, इतने बड़े बड़े गाने उन्होंने दिए। तो बस बहुत याद करते हैं हम, बट भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आई थिंक पूरा हिंदुस्तान में अगर 90% लोग हैं तो उनके गाने गा के अपना गुजारा कर रहे हैं, दाल रोटी कमा रहे हैं, उनका घर चल रहा है। पीछे लता जी गए, उनका बहुत दुख है, और साथ में ये दूसरे लेजेंड हमें छोड़ के गए हैं। थैंक यू।